आपने इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिया, लेकिन जो पुरानी पड़ी हुई है क्या उनका इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा मैं आपको बताऊँ, टेक्निकली इसराइली प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना कोई हराम नहीं है, ठीक है? ये तो एक हमारी वॉर स्ट्रेटेजी है ना, कि एक तो हम उनको इकोनॉमिक तकलीफ देना चाहते हैं, नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, दूसरे उसके मुकाबले में अपनी एक मुस्लिम आइडेंटिटी भी तो उभारना चाहते हैं ना। आप यकीन कीजिए, पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क हो और मैं उसकी मार्केटों में जाऊँ और हर तरफ इम्पोर्टेड चीज़ें लगी हों, तो मुझे तकलीफ़ होने लग जाती है। मैंने इंडियन मूवीज़ के अंदर देखा है कि वहाँ पे अभी भी जो है ना अरबपति जो है ना उनकी या उनके रेस्टोरेंट्स वगैरह में स्टील वगैरह के ग्लास होते हैं, जिनको हमारे यहाँ हमने पेंडुओं का हिस्सा बना लिया है। लेकिन आप ये देखिए कि अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को सादा रख के उस कौम ने उन चीज़ों में तरक्की की है जिनमें तरक्की मैटर करती है। हम मुसलमान हैं, हमारे पास इतनी कमाल की आइडियोलॉजी है और उसके साथ हमने अपने आप को ऐसे गिरा दिया है कि ज़रे मुल्क होने के बावजूद हम गंदम इम्पोर्ट करते हैं। तो यानी इसराइली प्रोडक्ट का बायकॉट सिर्फ और सिर्फ इसराइल के साथ एक जंगी हालत नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल नीड ऑफ़ द आवर भी है। एक तो ये नीड ऑफ़ द आवर है एज बीइंग अ पाकिस्तानी, और दूसरी नीड ऑफ़ द आवर है एज बीइंग अ ह्यूमन। आप ये देखिए कि ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड दुनिया जो है इसने इंसानों को कहाँ तक पहुँचा दिया है। पानी तक आपको बॉटल्ड वाटर मिलता है। तो मेरा ख्याल दिस इज़ द हाई टाइम टू गो बैक टू फितरा, दैट इज़ सुन्ना। तो आई वुड कॉल फॉर दैट। मैं आपको मना नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बताया टेक्निकली हराम है ही नहीं, ये तो एक स्ट्रेटेजी है। अब आप इसके मुताबिक ख़ुद ही फैसला कर लें। मैं तो ये कहूँगी कि रिप्लेस कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक आगाज़ हो जाना चाहिए ना। मैंने उस दिन मेरी बहू ने वो बनाया, उसका टैंक का पूरा जग बनाया और मैंने पूरे का पूरा उठा के जो है वो इसलिए गिराया क्योंकि सब कह रहे थे अब तो बन गया ना, अब तो बन गया। मैंने कहा रोज़ यही काम हो रहा होता है, अब नहीं, बस दैट्स इट। उस दिन जो है ना मैंने सबको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं लेना आप सबको, और हम जो है इसको गिराएंगे। हम जब गिराएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या करना है। अच्छा यही काम पाकिस्तान के बाज़ारों में भी हो रहा है। जिसके पास जाएं और जिससे भी बात करें हर बंदा ये बात कहता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हम खरीद रहे होते हैं और वो बेच रहे होते हैं। हम खरीदते रहेंगे तो वो बेचते रहेंगे। अगर हमने ये बंद कर दिया ना कि नहीं जी बस दैट्स इट, तो फिर आप देखिएगा वो भी लाना बंद कर देंगे। वरना हर दुकानदार भी इस वक्त ये कह रहे हैं कि भाई जी हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं ना, लेस के वो भरे हुए हैं, पेप्सी और कोलास भरे हुए हैं, तो भाजी हम कर रहे हैं, बस अब ये वाला स्टॉक ख़त्म होगा तो अपनी लेके आएंगे। नहीं, जब तक कोई ख़रीदार मिलते रहेंगे तो वो भी बेचते रहेंगे इसी तरह के एक्सक्यूज़ के साथ। तो मेरा तो आपको मशवरा है कि एक लाइन लगा दीजिए, मत कीजिए यूज़, कोई बात नहीं, इतना ही है ना, कुछ आपका पैसा और खर्च हो जाएगा, छोड़ दीजिए। अपने आप को संभालना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत उनको नुकसान पहुँचाने के।